सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एक और वैकेंसी निकाली गई है। इसमें 47 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है और यह वैकेंसी कबीरधाम जिला में निकाली गई है। हम इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। यदि आप 8वीं या 12वीं या BSc नर्सिंग की योग्यता रखते हैं या आपने DLM या BLM किए हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। इस वैकेंसी में आप आवेदन कर सकते हैं और इस वैकेंसी में आप प्रतिभागी हो सकते हैं। चलते हैं वैकेंसी पर। इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। यहां देख सकते हैं हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यहां पद नाम दिया हुआ है और यहाँ शैक्षणिक योग्यता, इसके अलावा यहाँ पदों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है। आप सभी को मिलाएंगे तो टोटल 47 पद होते हैं। इसमें देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट के एक पद हैं। वेतनमान इसमें अच्छा खासा रखा गया है, 35,000 इसमें रखा गया है। इसके अलावा जो स्टाफ नर्स के पोस्ट है वो 29 है सबसे ज़्यादा। इसी पोस्ट पर भर्ती के लिए यह वैकेंसी जारी की गई है। इसमें वेतनमान 16,500 रुपया रखा गया है। ये जो वेतन है ये मासिक आधार पर, यहाँ देख सकते हैं संविदा आधारित मासिक वेतन है। इसके अलावा लेबोरेटरी अटेंडेंट्स के, सॉरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 10 पदों पर भर्ती के लिए यह वैकेंसी जारी की गई है और इसमें 14,000 वेतन मार रखा गया। और इसमें योग्यता देखेंगे तो BMLT और DMLT या पैथोलॉजी में पैरामेडिकल कोर्स से उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ के जो पैरामेडिकल काउंसिल होते हैं उसमें आपका पंजीयन होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ प्राथमिकता भी दिए जाएंगे, BMLT को ज़्यादा प्राथमिकता दिए जाएंगे, ऐसी इसमें कहा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो लेबोरेटरी अटेंडेंट के एक पद पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी की गई हो। इसमें वेतनमान 8,800 रखा गया है। इसमें योग्यता 12वीं पास रखा गया है हर बायोलॉजी के साथ। इसके अलावा आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो और अच्छा हो जाता है, आपका कन्फर्मेशन जैसा हो जाता है। इसके अलावा इसमें क्लीनर के 6 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी की गई है और इसमें वेतनमान 8,800 रखा गया है प्रतिमाह और इसमें योग्यता 8वीं पास रखा गया है। यहाँ आप इस तरफ भी टोटल दिया हुआ है, इस तरफ भी टोटल दिया हुआ है। यहाँ ST SC OBC और जनरल में श्रेणीवार रिक्त पदों के बारे में जानकारी दी गई है। आप यहाँ देखेंगे तो 12वीं पास, 8वीं पास, BSc नर्सिंग, MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या MD मेडिसिन माइक्रोबायोलॉजी में किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें से कोई भी योग्यता यदि आप रखते हैं तो इस वैकेंसी से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट बातों को हम जानेंगे, क्योंकि हम तो जानते हैं कि वैकेंसी निकला रहता है लेकिन उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन बताए रहते हैं उसको जानना जरूरी होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन जो जानकारी होती है वो इसमें हम पूरी आपको देते हैं। यह जो वैकेंसी है ये कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कबीरधाम द्वारा जारी किया गया है और यह जो वैकेंसी है ये संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के तहत जारी किया गया है। इसके तहत आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन कैसे करेंगे तो आप रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करेंगे। इसमें आवेदन फॉर्म के बारे में भी आपको बताएंगे। यहाँ आपको थोड़ी सी और जानकारी दे देते हैं, जैसे कि आप इसे डाउनलोड करना चाहेंगे तो यहाँ कबीरधाम जिले का ऑफिशियल वेब पेज है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आयु सीमा निर्धारित की गई, यह एक संविदा भर्ती है। आप सबसे पहले यही ध्यान देंगे यह एक संविदा भर्ती है। यहाँ देख सकते हैं संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 साल इसमें रखा गया है, जबकि जो ज़्यादा उम्र होता है, अधिकतम उम्र सीमा रहता है वो 70 वर्ष चिकित्सीय पद हेतु और 64 साल प्रबंधकीय पद हेतु रखा गया है। आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2020 से किए जाएंगे, ऐसा इसमें पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा कहा गया है कि सभी पद पूर्णतः संविदा आधारित हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के अधीन है और यह एक संविदा भर्ती है। इसके बारे में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा आपको यहाँ देख सकते हैं कितने पदों पर भर्ती निकाली गई है, तो 49 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें जो कुल विज्ञप्ति में रिक्त पदों की संख्या है वो इस दूसरा कॉलम में आती है, 11 से 50 पदों के बीच, अर्थात 47 पदों के लिए यह वैकेंसी जारी की गई है। तो आपको जो विज्ञप्ति जारी, यहाँ विज्ञापन में रिक्त पद हैं उनका 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए जाएंगे लिखित परीक्षा या कौशल या साक्षात्कार के लिए, यहाँ कहा गया है। इसी तरह से इसमें कहा गया है जब साक्षात्कार या कौशल परीक्षा या आपका लिखित परीक्षा होता है तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे।
यहाँ बताया गया 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर संबंधित डिग्री जिसलिए आपने आवेदन किया है उस पोस्ट में जो डिग्री आवश्यक है वो आप लेकर जाएंगे, जो मूल अंक सूची रहेगा। इसके अलावा जो जीवित पंजीयन है संबंधित काउंसिल में, जो जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, विकलांग प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र है, जो भी जितने सारे प्रमाण पत्र है आपको लेकर जाने होंगे। जब यहाँ कहा गया है कि साक्षात्कार या कौशल परीक्षा या लिखित परीक्षा के समय आप जब जाएंगे तो, क्योंकि 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए जाएंगे। अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर बनाई जाएगी। जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें आपका 65% अंक मिलेगा, आपको 65% अंक मिलेगा, ध्यान देंगे आप। इसी तरह अनुभव के 10 अंक 15 अंक हो सकते हैं। यहाँ अनुभव के अंकों को और विस्तृत यहाँ किया गया है, जबकि यहाँ और कहा गया है उपरोक्त में 1+2 की मेरिट अनुसार 1:10 की संख्या में कौशल परीक्षा साक्षात्कार हेतु 20 अंक का लिया जाएगा। साक्षात्कार के लिए 20 अंक का साक्षात्कार होगा यहाँ बताया गया है, और इसी के आधार पर ही आपका अंतिम चयन होगा। इसके अलावा यहाँ कहा गया है नर्सिंग संवर्ग हेतु भी बताया गया है 60 अंक का शैक्षणिक योग्यता रहेगा, 10 या 20 अंक का आपका अनुभव का रहेगा, और इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ जो 20 अंक का होगा वो साक्षात्कार का होगा या कौशल परीक्षा का होगा। इसके अलावा यहाँ 20 अंक और जो जैसे कि रहते हैं नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन अभ्यर्थी रहते हैं तो 4 अंक देते हुए उन्हें अधिकतम 20 अंक का लाभ और दिए जाएंगे। ऐसे ऐसे इसमें और कई सारे टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं, सभी को देख सकते हैं। यहाँ दावा आपत्ति के बारे में भी बताया गया है। यदि प्रत्येक पद के लिए आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क आपको राष्ट्रीयकृत बैंक में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको जमा करना होगा, DD आपको बनाना होगा, ये DD आपको पोस्ट ऑफिस में भी मिल जाता है और बैंक में भी बन जाता है। यहाँ बताया गया है आवेदन करने के लिए आपको इस तरह का DD आपको आप जो आवेदन पत्र रहेगा उसमें आपको डालने होंगे। आपको पैसा नहीं डालना है, आपको DD बनवा के डालना है, और DD जो है डिमांड ड्राफ्ट पोस्ट ऑफिस में मिल जाता है और बैंक में भी बन जाता है। जैसे यहाँ विकलांग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रति माह 25,000 से कम आय के लिए, तो इसमें केवल आप देखेंगे तो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में 25,000 से कम वेतन है, तो आपको 100 रुपया यहाँ देने होंगे, 100 रुपये का DD बनवाना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला को यहाँ 200 रुपये का DD बनवाना होगा, और जो अनारक्षित वर्ग है उन्हें 300 रुपये का DD इसमें बनवाना होगा। यदि जो 1+10 है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का, उसमें यदि आपको ज़्यादा लग सकते हैं 1-1 सौ का यहाँ आप दे सकते हैं। यहाँ बताया गया है वेतनमान क्या रहेगा, पूरा जानकारी दी गई है, और संबंधित जिले के मूल निवासी को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिलों को भी इसमें प्राथमिकता दिए जाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके अलावा जो संविदा पद की अवधि होगी उसके बारे में भी बताया गया है। यहाँ बताया गया है उपरोक्त संविदा अवधि 3 माह के लिए होगा, यह वैकेंसी जब फाइनल चयन हो जाते हैं तो उन्हें 3 माह तक काम किए जाएंगे, लेकिन संविदा भर्तियाँ की जाती है लेकिन उनके कार्यकाल में लगातार वृद्धि की जाती है, इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिले, चाहे वो संविदा हो या रेगुलर हो। ये जो वैकेंसी है ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है। चयन उपरांत सभी चयनित उम्मीदवारों को 50 रुपये का अनुबंध बांड भरना होगा, यहाँ देख सकते हैं 50 रुपये का आपको अनुबंध पत्र बांड भरना होगा। यहाँ पूरा जानकारी दी गई है कि कितने कितने पदों के लिए कितना कितना प्रतीक्षा सूची भी जारी किए जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं उत्तर पदों के लिए। इसके अलावा और जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो हम देख सकते हैं। आपको आवेदन करना है तो आपको बिल्कुल सही आवेदन करना है, आपको त्रुटिपूर्ण या यहाँ देख सकते हैं अपूर्ण आवेदन नहीं करना है। यहाँ आप देख सकते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप, यहाँ आपको फोटो चिपकाना है, और इस आवेदन को आपको पूरी तरह से भरना है। यहाँ आवेदन पत्र ये दिया हुआ है, इस आवेदन पत्र को आप यहाँ देख सकते हैं, पूरा डिटेल यहाँ दिया हुआ है, आप इसको भर से जैसे यहाँ शैक्षणिक योग्यता भरना है, यहाँ आपके पास यदि अनुभव है तो भरना है, और जिस जिसमें आप संलग्न कर रहे हैं जिस डॉक्यूमेंट को उसमें आप टिक लगा दें यहाँ राइट राइट का, उसके बाद यहाँ स्थान दिनांक अपने गांव का नाम भरकर यहाँ पूरा पता को आप भर सकते हैं। इसमें भरने में कोई परेशानी आपको ना जाए, यदि कोई परेशानी जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यदि जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। यह एक संविदा भर्ती है और आप आवेदन कर सकते हैं, आप आज से ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आवेदन प्रारंभ हो चुका है, आप 28/8/2020 तक आप आवेदन कर सकते हैं, इसके बाद आपका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब आपको ले चलते हैं हम इस कबीरधाम जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आप आवेदन पत्र डाउनलोड करना चाहेंगे तब भी आप यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे।
हम आ गए हैं छत्तीसगढ़ शासन में कबीरधाम जिले के ऑफिशियल वेब पेज पर। आपको इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ नया नोटिस में भी सीधे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी आपको सूचना मिल जाएगा। लेकिन आपको तो कोई परेशानी जा रही है तो आप यहाँ नोटिस में आना होगा। नोटिस में आने के बाद यहाँ भर्ती पर क्लिक करना होगा या आप गूगल पर जाकर सीधे कबीरधाम रिक्रूटमेंट 2020 करेंगे तो आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ बताया गया है राज्य आपदा मोचन निधि मद से यह भर्ती की जा रही है 3 माह के लिए, लेकिन ये संविदा भर्ती है और आगे ये बढ़ते जाता है संविदा का डेट। यहाँ 14/8/2020 से आवेदन प्रारंभ हो चुका है, आप 28/8/2020 तक आवेदन कर सकते हैं और इस पर क्लिक करके आप आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से आवेदन इस पर क्लिक करेंगे तो आवेदन पत्र को आप इस तरह से देख सकते हैं। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। छत्तीसगढ़ में जॉब से जुड़े नए नए नोटिफिकेशन वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। आप समय समय पर जो वैकेंसियाँ निकाली जाती है उसकी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर ले सकते हैं। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल के नोटिफिकेशन बेल के बटन को नहीं दबाए हैं तो आप दबा सकते हैं ताकि आगे जब भी हमारे यूट्यूब चैनल में नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और छत्तीसगढ़ में फ्री में आप जॉब से जुड़े अलर्ट रह सकते हैं।